ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चौथा, जब हम लेटेंगे तो जैसे ही लेटते हैं वैसे ही नींद तो नहीं आ जाती ना। 5 मिनट 10 मिनट का वक्त लगता है। कोई ऐसा है जिसको नींद नहीं आती यहाँ पे? आती है। अच्छा, सभी को बहुत अच्छी नींद आती है। अच्छा, इधर ठीक है, मिलेंगे आपसे, व्यक्तिगत मिलेंगे, लेकिन होल सेल तो जैसे सभी को बहुत अच्छी नींद आती है ना। बाबा का बनने के बाद हम सबका जीवन इतना निश्चिंत हो गया है, हल्का हो गया है कि नींद बल्कि ज़्यादा ही आती है, राइट? हम तो लोगों को चैलेंज करते हैं, हंसी में चैलेंज करते हैं कि कोई कैसा भी अनिद्रा का रोगी हो उसे बुला लो हमारे यहाँ, हमारी मुरली क्लास में बिठा दो। हम कहते हैं यहाँ अच्छे अच्छे सो जाते हैं। बात हंसी की है, लेकिन सचमुच बाबा की मुरली से, बाबा के ज्ञान से सबका जीवन कितना सहज, सरल, हल्का हो गया है कि अब नींद तो बहुत इजी आती है। लेकिन जैसे ही बेड पे जाएं, बाबा ने कहा है जैसे बिस्तर पर जाओ पहले अपना पोता मेल बाबा को दो। और पोता मेल देने से बाबा ने कहा दो बहुत अच्छे फायदे, एक तो नींद बहुत अच्छी आएगी और दूसरा धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। तो रोज़ अपना पोता मेल, बाबा को पत्र 2 लाइन में 4 लाइन में आधे पेज में ज़रूर दिया करें कि बाबा कैसा रहा दिन, आज का पुरुषार्थ और कल मैं क्या करूँगा। आप देखेंगे इसका बहुत बल मिलता है, बहुत शक्ति मिलती है। तो जैसे ही बिस्तर पर जाएं, अपना पोता मेल बाबा को दें और दो प्रैक्टिस करते हुए सोएं। जब मम्मा बाबा के जीवन को देखते हैं तो एक बहुत बड़ी विशेषता सब विशेषताओं के साथ कि मम्मा बाबा जागते हुए तो कर्मयोगी थे ही, योग युक्त रहा करते थे, लेकिन जब सोते थे तब भी योग युक्त सोया करते थे, योग निद्रा हुआ करते थे। मम्मा के लिए कहते हैं कि मम्मा जैसे सोती थीं वैसे ही उठ जाया करते थे, उनके बिस्तर पे सिलवटें भी नहीं होते थे। और हम लोग सो के उठते हैं तो, हम लोग सो के उठते हैं तो ऐसा लगता है महाभारत का युद्ध यही हुआ था। रजाई इधर, गद्दा इधर, तकिया इधर। क्यों ऐसा होता है? योग युक्त होकर नहीं सोते। बाबा ने हमें सिखाया, मम्मा ने सिखाया, योग युक्त होकर के सोएं। क्या प्रैक्टिस करते हुए सोएंगे? अपना पोता मेल देने के बाद पहली प्रैक्टिस, मैं ब्रह्मा माँ की गोद में सिर रख कर सो रहा हूँ, जैसे ब्रह्मा माँ प्यार से मुझे लोरी सुनाते हुए सुला रही हैं, ज्ञान लोरी सुनाते हुए सुला रही हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हुए सोएंगे। इधर उधर का चिंतन नहीं, व्यर्थ चिंतन नहीं, दुनियावी चिंतन नहीं, क्योंकि ये भी रात को सोना लास्ट होता है ना, इसको भी एक छोटी मृत्यु कहते हैं। अंतमति सो गति, वो लास्ट वाली नहीं, ये भी अंतमति सो गति ही है कि लास्ट साथ सो रहे हैं, वैसा ही हमारा स्वप्न होगा, वैसा ही हमारा दूसरा दिन अमृत वेला होगा। इसीलिए रात को सोते समय सुंदर ज्ञान के संकल्पों के साथ बाबा की गोद में। और दूसरा अभ्यास करते हुए सोएंगे, जैसे विष्णु जी को दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु जी विश्राम कर रहे हैं, है ना, अपना हाथ बिल्कुल ऐसे रख करके। तो जैसे बिस्तर पर जाएं आराम से विष्णु जी बन करके लेट जाएं। और विष्णु जी को दिखाते हैं कि वो गीता ज्ञान का सिमरण करते करते विश्राम कर रहे हैं, सारे विश्व को सकाश देते देते विश्राम कर रहे हैं। हम भी सारे विश्व की आत्माओं को जो अनिद्रा के रोगी हैं उन्हें भी सकाश देते हुए विश्राम करेंगे, ठीक है।